हमें अपने साथी को छुड़ाना है और ये मकसद पूरा करना है, चाहे जो हो जाए। इस मकसद के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तुम्हारी पत्नी बोंदिता को भी नहीं। ठीक है, क्या कहकर बुलाऊं तुम्हें? अब नाम बता देती तो। हमारी मुहिम का ये सबसे जरूरी नियम होगा कि हम एक दूसरे की निजी जिंदगी में नहीं झांकेंगे, एक दूसरे से कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं पूछेंगे। ये सिर्फ एक मुहिम है हमारे लिए। हम एक दूसरे के साथ हैं सिर्फ इस मुहिम को पूरा करने के लिए, बस। और आज से हम अपने मकसद के लिए कर्तव्य का अभ्यास शुरू करेंगे। आजादी एक्सप्रेस, यही कहकर पुकारूंगा तुम्हें। अब व्यक्तिगत नहीं हो रहा, संबोधन के लिए, ताकि हम एक दूसरे को समझ पाएं, समझा पाएं, सिर्फ इसीलिए। ज्यादा एक दूसरे को समझने की जरूरत नहीं है हमें। आजादी एक्सप्रेस। छोड़ दूं तुम्हें? एक छाता है इसीलिए बोल रहा हूं, और कोई मकसद नहीं है मेरा। नहीं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आती हूँ, कहाँ जाती हूँ, ये कोई नहीं जान सकता, तुम भी नहीं। ठीक है, बोनता इतनी सारी रुचि आ रही, बस बस कितनी खाऊंगा मैं? खानी पड़ेगी, तू डकार कैसे आएगी? डकार आएगी तभी तो मैं पति का पेट भरने वाला पत्नी धरने पा पाऊंगी। बोनता किया, कितना खून बह रहा है। रुको, मैं किसी का उधार नहीं रखती। मैंने भी तुम्हारा खून बहाया था ना, हिसाब बराबर हो गया। अनिरुद्ध, निशाना साधो। तो कहीं और रख दो। नहीं अनिरुद्ध, निशाना अचूक होना चाहिए। डरो मत, निशाना साधो। वैसे नहीं, चाकू को उल्टा पकड़ो, नोकीली बाजू से। हाँ, अब अनिरुद्ध मेरी आंखों में देखो, एकाग्र होकर निशाना साधो। कल मिशन का दिन है अनिरुद्ध, कोई डर या संदेह हो मन में तो बता दो अभी। जानते हो ना, जान भी जा सकती है। मन में ना कोई डर है ना कोई संदेह, कुछ है तो सिर्फ बोंदिता के विद्यालय का शुल्क भरने की जिम्मेदारी। ये मेरे लिए सिर्फ एक और छोटा कदम है बोंदिता को पढ़ाने लिखाने का, उसका जीवन संवारने का। तुम्हारे मन में कुछ है तो कह सकती हो। मेरे मन में तो बस क्रांति का शोर है, मेरे लिए ये एक
छोटा सा कदम है मेरे आजाद हिंदुस्तान की ओर। पति बाबू, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ आपको? मोनिका, खुद देख लो कैसी लग रही हो। बाबू ने कहा था कि अगले वर्ष से मैं अंग्रेजी पढ़ूंगी। कितने सुंदर चित्र हैं इस किताब में। वो भोंदता, कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ। आने में शायद थोड़ी देर हो जाए, चिंता मत करना। पति बाबू, आज तो रविवार है और आप भूल रहे हैं कि रविवार को तो कचहरी बंद होती है। हाँ भोंदता, जानता हूँ रविवार है, कचहरी बंद रहती है, लेकिन उसके अलावा कुछ दूसरा काम करना, इसीलिए जा रहा हूँ। कौन सा दूसरा काम? हमें अपने साथी को छुड़ाना है। इस मकसद के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या है भोंदता, मैं तुम्हारे लिए इतना सुंदर आईना लाया हूँ ना, फिर भी देखो बिंदी ये बिल्कुल जगह पे नहीं है, टेढ़ी सी लगी है एकदम। कोई बात नहीं, आप मेरा आईना बाबू बनकर बता दीजिए। चलो ये भी ठीक है, अब इसे हटाओ और थोड़ी ऊपर और बाएं लगाओ जल्दी। हाँ बाबा, जहाँ लगाया था ना उसके थोड़ा सा ऊपर और बाएं। यहाँ ठीक है? हाँ बहुत अच्छी। आईना बाबू, अब सही लग गई बिंदी? हाँ बोंदता, अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही हो तुम, अति सुंदर। मैं चलूं? पति बाबू ने मुझे सुंदर का नहीं, अति सुंदर का मतलब हमारा रिश्ता और मजबूत होता जा रहा है। मुझे माफ करना बोंदता, तुम्हें बता नहीं सकता क्या खतरनाक काम करने जा रहा हूं मैं। केवड़े और गुलाब की खुशबू कहां से आ रही है? मोइली जी, कहां ले जा रही हो ये? ये संपूर्ण मालकिन ने अपने लिए। हाँ क्या जी? कहाँ हम बोंदता और अनिरुद्ध के रिश्ते को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, और यहाँ इसकी अपनी ही रासलीला चल रही है। विनोय, तुम तो मिल का काम देखने गए थे ना, कैसा चल रहा है मिल का काम? मिल का काम तो चल ही रहा है। मैं तो ये संपूर्णा के लिए पायल लेने गया था, उसको काफी पसंद है तो मैंने सोचा कि। अच्छा 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 सोचा, और सोचना चाहिए भी, तुम्हारी पत्नी है, अगर तुम नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा तुम्हारी पत्नी के बारे में? पायल दो, रानी हार दो, पत्नी का दर्जा भी दो, पर मां मत बना देना उसे। आप क्या कहना चाहते हैं? तो वही कहना चाहते हैं जो तुम समझ रहे हो, संपूर्णा की तुमसे कोई औलाद नहीं होनी चाहिए, समझे ना? हर दा ऐसा कैसे कर सकता हूं मैं, हर औरत एक बार मां बनना चाहती है,
क्या ये गलत नहीं होगा संपूर्णा के साथ? हम भी चाहते हैं कि संपूर्णा बहू माँ बने, लेकिन अनिरुद्ध की, सोमनाथ की, बटुक की, विनय अभी सब सगे हैं, पर अगर संपूर्णा की खुद की औलाद हुई तो आज नहीं तो कल इस घर में सगे और सौतेले की दीवार खड़ी हो जाएगी ना। ये समय रूठों को मनाने का है, ना कि किसी नए को इस घर में लाकर सगे सौतेले की लकीर खींचनी है इस घर के बीच। कोई गलती मत करना वरना जान चली जाएगी। अगर जान चली गई तो हम दोनों की मंजिल अधूरी रह जाएगी। ना तुम अपनी पत्नी के विद्यालय का शुल्क भर पाओगे और ना मैं आजाद हिंदुस्तान देख पाऊंगी। ख्याल रखना। जहाँ लगाया था ना उसके थोड़ा सा ऊपर और बाएं। यहाँ ठीक है? हाँ, बहुत अच्छे। पति बाबू ने ऐसा क्यों कहा कि मेरी बिंदी सही नहीं लगी है और फिर खुद ही टेढ़ी लगवा दी? और मैंने जब पूछा कि रविवार को कचेरी नहीं रहती है तो फिर कहाँ जा रहे हैं वो, और फिर अचानक से बिंदी की बात पर आ गए। मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या पति बाबू? देखिए कर्तव्य, देखिए तमाशा, वो जो ना कभी देखा हो ना कभी सोचा हो ना। आज हम आप सबको ऐसा कर्तव्य दिखाएंगे कि आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारा कर्तव्य देखकर आप सबके दिलों की धड़कन मानो रुक ही जाएगी। आए तुम मेहरबान, जो आना तेरी पर लिए कर्तव्य करेंगे। कौन 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 कौन? अरे बाबा हम परसा से किसकी किसकी? आपकी 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 आप सबकी जाएंगी। पर पता कैसे चलेगा कि किस काम से बाहर गए पति बाबू? जा रही हो तुम? मैं नहीं जा रही हूँ, हम जा रहे हैं। वो हमारे दार्जिलिंग वाले बंगले पर। आप पूरे दिन इतना व्यस्त रहते हो, अपनी नई नवेली पत्नी पर भी ध्यान नहीं जाता है आपका। पर वहाँ पे आपका पूरा दिन मेरा होगा और पूरी रात मेरी होगी। सच्ची? संपूर्णा की तुमसे कोई औलाद नहीं होनी चाहिए।
क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? क्या सुंदर नहीं लगती मैं आपको? क्या कांटे लगे हैं मुझ में? आप मेरे पास क्यों नहीं आते? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? कैसी बात है जो आपको आपकी पत्नी के करीब नहीं आने देती? संपूर्णा देखो, तुम पसंद हो मुझे, बहुत सुंदर हो, और तुम्हारे साथ समय बिताना भी मुझे अच्छे लगता। पर क्या है ना कि हम दोनों बच्चा पैदा नहीं कर सकते। और देखो ना, वैसे ही 3 बेटे हैं मेरे जो राय चौधरी खानदान का नाम आगे ले जा सकते हैं, और किसी की जरूरत नहीं। और वैसे भी कुछ दिनों में बंदिता और अनिरुद्ध के भी बच्चे हो जाएंगे, तो मेरा मानना है कि हम उन्हीं के बच्चों को गोद में खिलाकर और उन्हीं के साथ समय बिताकर आगे आगे चलेंगे। और बाबू ऐसा काम कर रहे जो बहुत खतरनाक है, ऐसा काम जिससे पति बाबू का जीवन खतरे में पड़ सकता है। मेरे एक क्रांतिकारी साथी को मुझे जेल से भगाना है। देश की आजादी इतनी भी सस्ती नहीं, अगर पकड़े गए तो अंग्रेज वहीं के वहीं गोली मार देंगे। मैं तैयार, आज चाहे जो खतरा मोल लेना पड़े मैं पैसे जमा कर बोनिता का शुल्क भरूंगा और तुम्हें विद्यालय भेजूंगा। थाम लीजिए, जानते हैं क्यों? मुझे पूछिए पूछिए क्यों? क्योंकि अब वक्त यही थम जाएगा, जो जा है वो वही जम जाएगा। जानते हैं क्यों? अरे पूछिए 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 क्यों क्यों क्यों? नाचने वाली है बिजली, और जब बिजली के पेड़ थक 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 थिरकेंगे ना, तो आपके 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 आप सबके दिल टूट कर बिखरेंगे। तो अपने होश खोने के लिए हो जाइए तैयार तैयार तैयार, क्योंकि क्योंकि कड़कने वाली है कर 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 बिजली जोरदार। क्या करूं मैं, दरवाजा तो बाहर से भी बंद है। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.